अपने बच्चों को लेकर ऐसे कौन से सवाल हैं जो आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स को खाए जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम उन टॉप 3 सवालों पर फोकस करेंगे जो देश भर के पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि आज की नई दुनिया में इन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और भारत के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। लीड के इस 11 साल के सफर में मैं भारत में हजारों पेरेंट्स के साथ मिला हूं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बार बार उभर के सामने आती हैं, तो चलिए उनमें से टॉप 3 प्रॉब्लम्स और सवालों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो नंबर 3 पे वो प्रॉब्लम है जो आजकल के डिजिटल एज में हर पेरेंट को चिंतित कर रही है। आजकल के एज में बच्चों को भटकाने के बहुत सारे साधन हैं और इनके चलते बच्चों का एक फिक्स शेड्यूल नहीं बन पाता है। तो एज पेरेंट्स, हम अपने बच्चों का ये शेड्यूल कैसे बनाएं? मेरा मानना है कि बच्चों का एक निर्धारित शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, पर बच्चे ये खुद से नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चों से उनके कामों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाएं। पहला, वो काम जो उनको उनके गोल की तरफ लेके जाता है, इसे हम इम्पॉर्टेंट कहेंगे। दूसरा, वो काम जिसे इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं करेंगे तो उसके नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, इसको हम अर्जेंट कहेंगे। और तीसरा, वो काम जिन्हें अगर अभी नहीं भी किया तो इसका उनके कल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। स्कूल जाना और होमवर्क करना इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। बुक्स पढ़ना और खेलना इम्पॉर्टेंट तो है बट मे बी अर्जेंट नहीं। और टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, मोबाइल पे लगे रहना ना ही इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। जब बच्चे अपने सारे काम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो सबसे पहले उन्हें इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कामों को स्केड्यूल करने को कहिए, और ये ना करने के बुरे परिणाम भी उन्हें स्पष्ट रूप से समझाइए। फिर उन कामों को स्केड्यूल कीजिए जो इम्पॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं। ये काम अक्सर रह जाते हैं, इसीलिए इनको स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जो समय बचता है उनमें वो काम जो कि अनइम्पॉर्टेंट हैं या नॉन अर्जेंट हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पर रहना, वो कीजिए। अब स्केड्यूल बनाना एक बात है और उसे फॉलो करना दूसरी। तो रात को सोने से पहले अपने बच्चे से इस स्केड्यूल के बारे में ज़रूर बात करें। उसे पूछें कि उसे इस स्केड्यूल फॉलो करने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई और वो किस हद तक इस स्केड्यूल को फॉलो कर पाया। अगर आपके बच्चे ने ये स्केड्यूल ठीक से फॉलो किया है तो उसकी प्रशंसा करें, उसे कोई इनाम दें। लेकिन अगर बार बार वो इस स्केड्यूल के विपरीत जा रहा हो तो आप उसे ये इनाम क्यों नहीं दे रहे, ये उसे समझाएं। नंबर 2 पे वो सवाल है जो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल इसकी रूप और मात्रा और भी संगीन हो गई है। आखिर क्या करें जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता या पढ़ने से कतराता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये स्कूल न जाने की जिद रोज़ रोज़ की बात है या कभी कभी होती है? अगर ये हर रोज़ की बात है तो बच्चों की उम्र के हिसाब से इसके अलग अलग उपाय हैं। छोटे बच्चों में, यानी कि 5 से 6 साल तक की उम्र के लिए, इस प्रॉब्लम का मूल कारण है सेपरेशन एंग्जाइटी, यानी कि आपसे अलग होने का डर। तो इसके लिए उनके टीचर से बात कीजिए, और जब उन्हें स्कूल छोड़ने जाएं तो आप भी वहां रुक जाएं, और जब वो वापस आएं तो उनको मुस्कुराकर मिलिए। इससे बच्चों को भरोसा हो जाता है कि आप उनसे बिछड़े नहीं हैं बल्कि उनके वापस आने का केवल इंतज़ार कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल यानी कि 7 से 12 साल के बच्चों में इस प्रॉब्लम की जड़ होती है या तो टीचर का उनकी निंदा करना या फिर दोस्तों का उन्हें ना एक्सेप्ट करना। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप उनसे बात करें कि वो दोस्त कैसे बनाएं और रिश्ते कैसे निभाएं। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उन्हें एकांत और अपने साथ बिताए वक्त की अहमियत समझाएं। और अगर बड़े बच्चों की बात करें तो इस उम्र में अक्सर बच्चे जल्दी ही बोर हो जाते हैं और कभी कभी कुछ एरियाज में अपने आप को कमज़ोर या नाकाबिल समझने लगते हैं। इसके लिए उनके टीचर के साथ मिलके
उनके पढ़ाई के कार्यों को उनके सामने एक अनोखे रूप से रखें ताकि उन कार्यों की बोरियत निकल जाए, और इसके साथ जिन चीज़ों में वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि वो बाकी बच्चों के लेवल तक पहुँच सकें। अब अगर ये स्कूल न जाने की प्रॉब्लम कभी कभी होती है तो ये किसी घटना या किसी गलती को छुपाने का जरिया है, जैसे कि होमवर्क ना करने के परिणाम से डरना। इस वक्त उन्हें समझाइए कि कोई बात नहीं अगर गलती हो गई, बट उसे बार बार दोहराना गलत है। एग्ज़ाम की तैयारी में कमी होना, तो उन्हें भरोसा दिलाइए कि वो जितना कर पाएंगे वो ठीक है और अगली बार की तैयारी से वो और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों से झगड़ लेना, कोई शरारत करना या फिर टीचर का अपमान करना, ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज करना गलत है। तो इस सिचुएशन में आपको उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि वो इस गलती से आगे कैसे बढ़े। अब आते हैं उस सवाल पे जो मुझसे 10 में से 9 पेरेंट्स पूछते हैं। अगर हमारा बच्चा बहुत गुस्सैल है, बहुत ज़िद्दी है, तो हम उसे कैसे हैंडल करें? तो इसका जवाब इन बिहेवियर्स को कम करने में नहीं है, बल्कि इनके होने के कारण को समझने में होता है। ज़िद्दी होना, गुस्सा आना, ये तो बस नतीजे हैं, हमें इनके होने की वजह को ढूंढना है। पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से दबंग और इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं, और अगर आप उन पर अपने डिसीजंस ज़बरदस्ती डालेंगे तो उनका ऐसा रिएक्ट करना स्वाभाविक है। तो ऐसे बच्चों के साथ पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या ये ज़रूरी है कि वो आपके डिसीजंस माने या फिर सही डिसीजन लेके आगे बढ़ें? ऐसे बच्चों को आपके डिसीजन की नहीं बल्कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो खुद से सही डिसीजन ले सकें। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स और बच्चों में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते ही नहीं हैं, और हम जाने अनजाने में उनके व्यक्तित्व को एक ठेस पहुंचाते हैं, और बच्चे इसी बात का बदला लेने के लिए हमसे गुस्सैल या ज़िद्दी तरीके से बात करते हैं। इस सिचुएशन में पहले तो शांत स्वभाव से काम कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी वो बात है जिसकी वजह से बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी अप्रोच ना अपना कर ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और ऐसे कौन से अलग तरीके हैं जिससे वो अपना मनचाहा आउटकम पा सकते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन के मालिक खुद हैं, आप तो केवल उनके शुभचिंतक हैं। अब कई बार बच्चे गलत चीज़ें करने लगते हैं, और जब आप उनकी निंदा करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, और कई पेरेंट्स इस गुस्से से घबराकर रुक जाते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को उनकी लिमिट्स और बाउंड्री समझाने में संकोच मत कीजिए। ये उनके आज की ग्रोथ और आगे के आने वाले सिचुएशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा गलत राह पे चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि उनको गुस्सा आ सकता है, एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें रोकें। तो ये थे वो 3 सवाल जो पेरेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं। अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इन सवालों के सॉल्यूशंस आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और भी कई सवाल हैं आजकल की पेरेंटिंग को लेकर जो हम इस सीरीज़ के द्वारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ सुमित और मैं मिलूँगा आपसे अगले संडे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।